जी, क्या प्रोग्राम होने वाला है और क्या डिटेल्स है इसका? भैया ऐसा है कि हमारी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में कल 17 तारीख को हम लोग दोपहर में मोटरसाइकिल रैली कर रहे हैं, जिसका नाम कमल संदेश बाइक रैली है 17 नवंबर को। और ये रैली एक समय में पूरे प्रदेश में होगी और भारतीय जनता पार्टी के झंडे डंडे कार्यकर्ता टोपी ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दिया जाएगा। तो इस रैली के जरिए क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं? हमारा संदेश ये देना है कि अपने कि हमारी संगठन क्षमता, हम जैसे इस लोकसभा के अंदर हमारे 2289 बूथ हैं, हम हर बूथ से मोटरसाइकिल से लोग बुला रहे हैं, कहीं से दो आएंगे कहीं से पांच आएंगे, पांच का मैक्सिमम लक्ष्य रखा है, पांच से ऊपर नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा हर बूथ पर कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा हुआ है। और इस बाइक रैली के माध्यम से पूरे, क्योंकि कल को चुनाव की जो स्थिति आने वाली है, चुनाव की तैयारी है हमारी, एक शुरुआत है अभी से, और एक वातावरण बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को हम एक दिन एक समय में ये रैली का एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा हर बूथ पर कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा हुआ है और चुनाव की जो अपेक्षा है कार्यकर्ताओं से वो पूरी होगी। ग्रेटर नोएडा में जो रैली हो रही है, इसमें कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे और कहां से कहां ये रैली? 2289 बूथ हैं। ये रैली जो आपका कौन सा नॉलेज पार्क के अंदर, जहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर इनका वो बनता है, पार्किंग बनती है इसकी, एक्सपो जो मार्ट की, वहाँ पर सब एकत्रीकरण होगा। वहाँ से हम लोग यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के ऑफिस के सामने से निकलकर T3 से होते हुए परीचौक जाएंगे, परीचौक से निकल के जगत फार्म से हम लोग सिटी पार्क में जाके समाप्त राइट मुड़ जाएंगे, फिर 8 किलोमीटर अथॉरिटी के वहाँ से राइट मुड़ जाएंगे और आगे।